7ই ফেব্রুয়ারি হলদায় আসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, আর সেই সভামঞ্চ ঘুরে দেখলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, এবং পরে সাংবাদিক বৈঠকে কি বললেন আপনারা দেখছেন হলদিয়া নিউজ। निमंत्रण पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी बातों को समझने के लिए यहाँ आए। आने वाले 7 फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल आ रहे हैं। इस बार भारत सरकार की पेट्रोलियम विभाग और रोड ट्रांसपोर्ट विभाग के निमंत्रण पे 4 बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डेडिकेट करने के लिए और फाउंडेशन स्टोन देने के लिए आ रहे हैं। उसमें से 3 प्रोजेक्ट को डेडिकेट करेंगे, 1 प्रोजेक्ट का वो फाउंडेशन स्टोन देंगे। 3 प्रोजेक्ट हल्दिया में है और 1 प्रोजेक्ट की फास्ट बेच दुर्गापुर तक पहुंचा है और सारे बंगाल के लिए है। मैं उसकी विवरण आपके सामने रखूंगा। मित्रों, बंगाल में देश की जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ओर से एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने कल्पना किया था, भारत की हर गरीब मां के लिए सरकार की खर्चे से फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। 8 करोड़ कनेक्शन देश में लगे हैं, उस 8 करोड़ की 10% कनेक्शन केवल बंगाल में लगे हैं। बंगाल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर 88 लाख 51,000 एक प्रकार से कहे तो 9% 11% 10-80 लाख से होता है 88.5 लाख्स हुआ, तो लगभग 11% एलपीजी कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में बंगाल में लगे। इसलिए बंगाल में हमारे हल्दिया रिफाइनरी से एलपीजी भी उत्पादित होती है, लेकिन बंगाल और पूर्वी भारत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1100 करोड़ रुपया खर्चा करके 1 मिलियन मेट्रिक टन वार्षिक एलपीजी हम विदेश से हमारी घर में पहुंचाने के लिए ले आ पाए, इसे एक फैसिलिटी हमने बनाया है जिसकी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी 7 को करेंगे। दूसरा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो हल्दिया रिफाइनरी है उसमें हमारी देश की जो लुब्रिकेंट की आवश्यकता है, मोबिल और अन्य प्रकार की जो लुब्रिकेंट की आवश्यकता है, उसके लिए बेस ऑयल लगती है। मैं पिछले महीना आके कलकत्ता में आज की तिथि में देश की सबसे बड़ा लुब्रिकेंट प्लांट उद्घाटन किया था, लेकिन लुब्रिकेंट बनाने के लिए बेस ऑयल लगती है। हमारी आवश्यकता की बेस ऑयल हम बाहर से लाते हैं। हमने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए लगभग 1020 करोड़ रुपया खर्चा करके IOC लुब्रिकेंट बेस ऑयल बनाने के लिए नया कारखाना शुरू करना है, उसकी फाउंडेशन स्टोन 7 तारीख को प्रधानमंत्री देंगे। हल्दिया में
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की ओर से 4 लेन आरओबी कम फ्लाईओवर NH-41 के ऊपर रानी चौक के पास बनाई गई है, उसका भी लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। और उससे ऊपर जैसे मित्रों कहा कि भारत कमिटेड है क्लीन एनर्जी के लिए, स्वच्छ एनर्जी के लिए, भारत को धीरे धीरे गैस आधारित अर्थनीति की ओर, गैस बेस्ड इकोनॉमी की ओर ले जाना है। बहुत पहले कलकत्ता शहर में पाइप में गैस आती, लेकिन बाद में बंद हो गया, गैस कहां से आएगी, कैसे मिलेगी, ये सब करके बंद हो गया। भारत में पश्चिम हिस्से में गैस पाइपलाइन और नेटवर्क थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जिम्मेवारी संभाले तब उन्होंने पूर्वी भारत के विकास के लिए, पूर्वोदय के लिए प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा उत्तर प्रदेश की फूलपुर यानी इलाहाबाद से शुरू करके हल्दिया तक पाइपलाइन बनाने के लिए प्रोग्राम शुरू किए, जिसकी प्रवेश उसी दिन बंगाल में होगी। 7 तारीख को भी प्रधानमंत्री उसी पाइपलाइन की धोबी दुर्गापुर सेक्शन लगभग 347 किलोमीटर जिसपे 2433 करोड़ खर्चा हुई है, जो पाइपलाइन बिहार की धोबी से आगे झारखंड होते हुए दुर्गापुर तक आएगी, जिस पाइपलाइन आगे धीरे धीरे हल्दिया तक भी आना है सेकेंड फेज पे, वो भी बंगाल सरकार हमें जमीन उपलब्ध करा रही है, उसको हम धीरे धीरे बना रहे हैं। लेकिन पहली बार बंगाल की धरती में नेचुरल गैस की पाइपलाइन आएगी, ये पहला बार। इसलिए कुल मिलाकर लगभग 4,500 करोड़ रुपया की डेवलपमेंटल वर्क की डेडिकेशन या फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री जी 7 तारीख को करेंगे। मैं बंगाल की आदरणीय राज्यपाल महामहिम माननीय जगदीप धनखड़ जी को भी पत्र लिखा, बंगाल की आदरणीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी दीदी जी को भी पत्र लिखा है, यहाँ की स्थानीय सांसद दिव्यांग अधिकारी जो मेरे साथ आज यहाँ थे भी, और हमारे यहाँ की विधानसभा के सदस्य बहन मंडल जी तथा अन्य सभी माननीय अतिथियों की उपस्थिति में बंगाल के लिए, पूर्वोदय के लिए प्रधानमंत्री जी की इस प्रकार की एक सौगात बंगाल के लिए रहेगा। मैं आपके माध्यम से बंगाल की जनता को न्योता देता हूं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम को वो देखे, इसकी डिजिटल लोकार्पण हमारी पोर्ट की जो हेलीपैड है उस मैदान पे किया जाएगा, वहीं से हल्दिया प्लांट का डेडिकेट किया जाएगा, स्विच दबा के रिफाइनरी की लूप बेस ऑयल की प्लांट का शुभारंभ किया जाएगा, दुर्गापुर में जो भी दुर्गापुर की जो गैस पाइपलाइन आ रही है उसकी भी शुरुआत की जाएगी, और इस ओवरब्रिज का भी लोकार्पण किया जाएगा। मेरे ओर से ये बात आपके सामने रखनी थी। आपको सपोर्ट दे रहा है एक दो, आपका जो ये पाइपलाइन का जो घर घर में गैस का पाइपलाइन का पहुंचाने का बात कर रहा है, ये कितना दिन में कंप्लीट हो सकता है? देखिए अभी तक बंगाल में हमारी ये LPG पाइप बॉटल मैंने टर्मिनल हो या हमारी हल्दिया रिफाइनरी हो या दुर्गापुर तक लाइन पहुंचाने की बात हो, ये सारे में बंगाल सरकार की मदद रही है, बंगाल सरकार की कोऑपरेशन रही है, इसमें हम बंगाल सरकार को धन्यवाद देते हैं। बाकी रहा, हम अपेक्षा करते हैं दुर्गापुर से हल्दिया जमीन अधिग्रहण राज्य सरकार हमको जितना जल्दी उपलब्ध कराएगा
आप उतने जल्दी उसको पाइपलाइन को ले आ पाएंगे। इस प्रकार के प्रोजेक्ट लगभग ये स्टेज कितना लगभग 263 किलोमीटर डाल लिया है और कलकत्ता वाला मिला 333 किलोमीटर, उसी में से एक जगह से कलकत्ता शहर को भी पाइपलाइन जाएगा, इसलिए 333 किलोमीटर की पाइपलाइन हम उसकी टेंडरिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दें। हम उसमें से तो चाहेंगे हमको जमीन उपलब्ध हो जाएगा तो हम 1.5 साल के अंदर मैंने 2022 की मध्य दशहरा तक उस पाइपलाइन को हम बना सकते हैं। जमीन अधिग्रहण आपका जो बात कर रहा है इसने ममता बनर्जी कितना सपोर्ट दे रहा है आपको? अभी तो देने से उन्होंने कहा दुर्गापुर तक तो लाइन आया, अभी जो हल्दिया में सारे प्रोजेक्ट हुए उनका तो मदद रही, स्थानीय सरकार की मदद रही है। Sir, one question regarding flyover. Sir, have you given any name about the flyover? Or is it dedicated to the freedom fighter? Exactly, I cannot answer this question. Because this is coordinated by National Highway Department. National Highway Department. I think if any project, if any plan will be there, and the Prime Minister will dedicate on that. Right now, I cannot because it's not my ministry. सागरमाला का जो प्रोजेक्ट है जो हल्दिया में है इधर से इलाहाबाद जा रहा है, इधर से नेशनल हाईवे का जो लिंक है इसमें आप मैं पेट्रोलियम विभाग का मंत्री हूँ, प्राइमरीली हम सब एक बास्केट बनाते, बोर्ड का भी एक प्रोग्राम इसमें से आ गया है, लेकिन मैं मूलतः ये जो हमारे 3 प्रोजेक्ट है जिसको विस्तार से मैंने आपके सामने कहा, बीपीसीएल द्वारा निर्मित एलपीजी टर्मिनल, गेल के द्वारा निर्मित प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, आयोशेल के द्वारा निर्मित होने वाला लुब्रिकेंट बेस ऑयल, ये 3 प्रोजेक्ट के बारे में मैंने। नॉर्थ 24 परगना ऑफ वेस्ट बंगाल वहां पर नेचुरल गैस मिला, ऑयल मिला, राइट, व्हाट इज द पोजीशन नाउ, व्हाट इज योर व्यू? देखो मैं पिछले महीना वहीं आया था अशोकनगर मैं, मित्रों आपको बड़े खुशी की बात कहूंगा, लगभग 70 साल के बाद 1949 से तेल की खनन की काम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की कोशिश किया जा रहा है, 1949 से सफलता मिली 1920 में, लगभग 71 इयर्स के बाद बंगाल की अंदर नॉर्थ 24 परगना की अशोकनगर में उस समाधान मिली है, उसकी कमर्शियलिटी प्रूव हुई है, व्यावसायिक दृष्टि से अच्छा हो सकता है इसे हमारी अनुमान है। बंगाल सरकार ने अभी मैंने ममता जी को पत्र लिखा था, उन्होंने भी जमीन उपलब्ध कराया है, हमें उम्मीद है जो वैज्ञानिकों के अनुमान है वह अच्छा खासा अच्छे क्वालिटी के और वहाँ की तेल के हम लोगों ने हल्दिया रिफाइनरी में उसको सफलता के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए, अच्छे क्वालिटी की तेल है, हमें उम्मीद है बंगाल की अर्थनीति में ओएनजीसी के द्वारा उत्पादन होने वाला तेल बड़ा सफल होगी। आवश्यकता की 80% बाहर से लाना पड़ता है जिसके मूल्य के ऊपर हमारे नियंत्रण नहीं है। पिछले दिनों में कोरोना के कारण डिमांड खराब हो गई, डिमांड चली गई, उत्पादनकारी देश प्रोड्यूसिंग कंट्री जितना तेल उत्पादन करनी चाहिए उतना उत्पादन नहीं कर रहे हैं। 6 महीना पहले उन्होंने उत्पादनकारी देशों ने ओपेक कंट्री ने जिसमें सऊदी अरब यूएई उनके साथ रशिया भी मिला है अभी ये सब लोग ओपेक ओपेक प्लस के नाम पे जिन्होंने कहा था कि भाई हम प्रोडक्शन तो अभी घटा रहे हैं लेकिन जनवरी 2021 तक फिर उसको ठीक कर देंगे, लेकिन जनवरी 2021 अभी पूरा हो गया आज, उनकी वादे के मुताबिक उन्होंने ज्यादा काट दिया,
उसके कारण डिमांड सप्लाई की इश्यू बनी हुई है, जिसके कारण अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की दाम में बढ़ने के कारण हमारे कंज्यूमर्स को उसकी एक शॉक लेना पड़ रहा है। हम ओपेक की नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं, मैंने उनकी सेक्रेटरी से बातचीत किया कि भारत आज देश विश्व की तीसरे नंबर की एनर्जी कंज्यूमर है। हम अगर बिक्री करने वाला सोचेगा मैं कुछ भी रेट पे बिक्री कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। खरीदने वाला भी एक माने रखता है, उसकी महत्व है, इसकी भी उनको ध्यान देना चाहिए और देंगे। हॉलमार्क सोनार गयना रूपार गयना सर्टिफाइड ग्रहरत्न और शोपीस द्वारा सुसज्जित शोरूम दुर्गा चौक बासंती भवन दुर्गा मंदिर पास सुपरमार्केट ठीक विपरीते।